दोस्तों आपको क्या लगता है, सोल लान 2 में सिर्फ हुआ युहाओ ही स्ट्रॉन्ग है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं मेरी कुछ आगे की नॉवल वीडियोस में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को जो कि सिर्फ गूस बम्प से ही देंगे। मैं आपको इस वीडियो में ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आने वाली नॉवल वीडियोस में उन्हें डिटेल में जरूर से एक्सप्लेन करूंगा। और आपको जल्द से जल्द वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में 2000 लाइक्स का टारगेट आपको पूरा करवाना होगा। तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि युहाओ ने वोंगडोंग के कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करके सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि वोंगडोंग के कॉन्शियसनेस में गॉड किंग तामसन की प्रेजेंस और उसका ट्राइडेंट प्रेजेंट था, और वोंगडोंग के कॉन्शियसनेस में कोई एंटर किया है इसका पता टैंग सेक्ट में रह रहे दामिंग और एरमिंग को पता चल जाता है, जिसके वजह से वह दोनों युहाओ को मारने के लिए बावले हो जाते हैं। और इस तरफ स्काई ड्रीम हुआ युहाओ को फोर्सफुली वोंगडोंग के कॉन्शियसनेस से बाहर निकालता है, और गॉड एलेक्स ने भी युहाओ को दोबारा ऐसा ना करने की वार्निंग दी थी, और युहाओ भी इस बात के लिए मान जाता है। और तभी वोंगडोंग होश में आ जाता है और युहाओ से पूछता है, युहाओ क्या तुम ठीक हो? और वोंगडोंग के अचानक उड़ जाने की वजह से युहाओ काफी तगड़ा डर जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, मुझे माफ करना वोंगडोंग, मैं दोबारा नहीं करूंगा। इस पर वोंगडोंग युहाओ से पूछता है, क्या हुआ, तुम पूरी तरीके से पसीने में लटपट क्यों हो? जिस पर युहाओ कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी स्पिरिट पावर को यूज कर लिया है और मैंने देख लिया है तुम्हारे माइंड के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है और वहाँ पर सब ठीक है, इसलिए तुम्हें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वोंगडोंग कहता है, तुम अभी काफी कमजोर हो तो फिर चलो चल के अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करते हैं। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि वोंगडोंग को भी नहीं पता है कि उसके माइंड के कॉन्शियसनेस के अंदर क्या है, और अच्छा यही होगा कि उसका जिक्र नहीं किया जाए। लेकिन आखिर मुझे इससे क्यों बैड फीलिंग आ रही है और मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि वोंगडोंग के माइंड के अंदर जो कुछ भी है उसे मुझे सामना करना ही होगा, और ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इसे अवॉइड भी नहीं कर सकता हूँ और ना ही कभी मैं इससे बचकर भाग सकता हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके स्पिरिट टूर्नामेंट अरीना में चला आता है, जहाँ पर सभी लोग श्रेक्स एकेडमी को सपोर्ट कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उस बच्चे को भी जिसके पास 61 लाख ईयर्स की स्पिरिट रिंग है। और फिर हम मिंग होमचिन को देखते हैं जो कहती है, चलो देखते हैं कि श्रेक्स साथ में मिलकर कैसा करते हैं। और यह टीम बैटल तो श्रेक्स एकेडमी और क्यांगलिंग एकेडमी के बीच में हो रही है, और टीम बैटल सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्कूल की स्ट्रेंथ पता लगाने का, जिस पर मा रूलोंग कहता है, तुमने सही कहा और यह एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है श्रेक्स को परखने की, और इन लोगों ने जो पहले अपोनेंट को फेस किया था ये स्कूल उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनमें से 6 के पास 4 स्पिरिट रिंग्स है जबकि 1 5 रिंग वाला स्पिरिट किंग है, और इनकी काफी ज्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है जिसे वो 4-in-1 फायर एंड आइस स्ट्राइक कहते हैं, और इनका कैप्टन चेंसी है और वो एक आउटस्टैंडिंग स्पिरिट मास्टर है, और तो और यह एक स्पिरिट किंग भी है जिसे हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इनके पास 2 स्पिरिट मास्टर्स हैं जिनके पास ड्यूल आइस और फायर एट्रिब्यूट है। वैसे तो इनका डिफेंस कमजोर है, लेकिन बैटलफील्ड के ऊपर इनका जो कंट्रोल है वो एक्सीलेंट है, जबकि इनके दूसरी तरफ श्रेक्स है जो कि इन्हें काफी हल्के में ले रही है, और उस युहाओ ने अभी तक अपनी स्पिरिट रिंग को भी रिलीज नहीं किया है, बस वो पीछे अकेला खड़ा है और वो अभी काफी सेक्रेटिव है, और वह सच्ची में श्रेक्स का लकी वन है, और मैंने पहले ही गैस कर लिया है कि वह क्या सोच रहा है और यह आगे बताना ही वाला होता है। तभी कोई अपने हाथ से इसके चेहरे को एक तरफ कर देता है और कहता है, साइड में हाथों, और ऐसा करने वाला और कोई नहीं होमचिन होता है, जिस पर मा रूलोंग को गुस्सा आ जाता है और यह कहता है, होमचिन तुम्हारी इतनी हिम्मत? और तभी होमचिन युहाओ की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे टारगेट को ऐसे पर्सनली एनालाइज मत करो क्योंकि वह एंड में मेरे द्वारा ही हराया जाएगा। और मा रूलोंग होमचिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, होमचिन मैंने तुम्हें काफी सहन कर लिया है, तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता हूँ? जिस पर होमचिन कहता है, सीनियर माँ आप काफी स्ट्रांग है, मैं तो डर गया
और माँ रुलोंग को होंगचिंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी मिंग हंसते हुए कहती है, लड़ना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। दो आदमियों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का, इसीलिए ही तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहो। जिस पर होंगचिंग कहता है, टीस मत करो। और इस तरफ माँ रुलोंग काफी खुश होते हुए कहता है, मिंग में तो बस मजाक कर रहा था और मैं क्यों ही तुम्हारे भाई को हिट करूंगा। और होंगचिंग कहता है, अभी मेरी नजरों में सिर्फ एक ही पर्सन है। जिस पर मिंग कहती है, बिग ब्रदर क्या आप युहाओं को कन्फेस करने जा रहे हैं। और अब इस बात से होंगचिंग को भी गुस्सा आने लगता है और यह कहता है, बच्ची अब कौन परेशान कर रहा है। जिस पर मिंग कहती है, मैं मजाक कर रही थी, चलो इनके मैच को अच्छे से देखते हैं। और वह दोनों श्रेक्स को एनालाइज करते हुए कहते हैं, वह दोनों काफी अच्छे हैं और तो और वह साथ मिलकर काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और वह बस एक दूसरे की तरफ देखकर बता पा रहे हैं कि अगला क्या सोच रहा है। और मैं बस एक बार ही देख के बता सकती हूँ कि उनके बीच का रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। जिस पर होंगचिंग कहता है, आखिर तुम किस तरह की चीज पर ध्यान दे रही हो। और तभी माँ रुलोंग खुश होते हुए कहता है, मुझे उनकी टीम में वो मिल गया जो कि एक एक्सलेंट सोल स्पिरिट वेपन मास्टर है और सोल स्पिरिट वेपन को कंट्रोल करने की इसकी एबिलिटी काफी हाई है। और यहाँ तक कि अगर यह हमारे स्कूल में होता तो भी यह एक एलीट होता और एक नजर में कोई भी बता सकता है कि यह एक असली मर्द है। और अगर यह हमारे स्कूल में होता तो मैं इसका ट्रू ब्लड ब्रदर बनना चाहता। और फिर हम बैटल अरेना का सीन दिखाते हैं जहां बैटल अरेना के अंदर एक काफी बड़े की तूफान क्रिएट हुआ होता है। जी पर जू संशी सभी से केयरफुल पीछे हटने के लिए कहता है और इस तरफ होंगचिंग कहता है, ये टेक्निक सच में काफी स्ट्रांग है क्योंकि प्रैक्टिकल यह पूरी बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रही है। और इस पर माँ रुलोंग कहता है, यह टेक्निक पहले ही स्पिरिट किंग लेवल की है और देख के ऐसा लगता है कि स्पिरिट बोन ने इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ा रखी है। और चलो देखते हैं कि अब श्रेक्स क्या करती है, क्योंकि अपोनेंट इस मौके का फायदा उठाकर अपना इस लॉन्च करेंगे। और सब कुछ उनके बैटल प्लेन के हिसाब से हुआ तो वो बड़े ही आसानी से जीत जाएंगे। और तभी युहाओ अपना ब्लू रेड ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, ये टोर्नेडो तो आइस से क्रिएट की गई है और आइस का तो मैं राजा हूँ। और युहाओ सिर्फ अपने एक हाथ के इशारे से उस बड़े से तूफान को एक ही जगह पर रोक देता है। और इस नज़ारे को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और यह कहते हैं, यह मैं क्या देख रहा हूँ कि तूफान अपनी जगह पर रुक हो गया है और ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है और आखिर यह बच्चा क्या है। और इस तरफ होंगचिंग हर एक मूव पर अपनी नजरें गड़ाए हुआ होता है। और तभी हम उसे लड़की को देखते हैं जिसने पहले आइस के तूफान को बनाया था। वो इस नज़ारे को देखकर काफी हैरान होती है। और तभी युहाओं के चारों तरफ 6 1 लैक्स ओल्ड स्पिरिट सोल रिंग्स अपीयर होती है। और तभी युहाओं की पावर की वजह से तूफान पीछे हटने लगता है और यह अब सीधे किंगलिंग स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। और तो और अब यह पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। और किसी को नहीं समझ में आता कि युहाओं ने किस तरीके की एबिलिटी को यूज किया है, क्योंकि बस इसने एक ही मूव में पूरे मैच के प्लान को बदल दिया होता है, जिस वजह से किंगलिंग स्कूल अपनी हार मान लेती है। और सभी लोग श्रेक्स की जीत को देख के काफी खुश होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया श्रेक्स, एक सच में काफी अमेजिंग है। और युहाओ की 6 1 लाख ईयर्स ओल्ड रिंग वापस से अपीयर हुई थी और वह वाकई में काफी स्ट्रांग है। और श्रेक्स की इस जीत को देख के माँ रुलोंग और मिंग और होंगचिंग तीनों के ही चेहरे का रंग उड़ जाता है। और माँ रुलोंग कहता है, क्या सच में इस बंदे के पास 6 1 लैक्स ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स है। और तभी होंगचिंग यहाँ से जल्दबाजी में कहीं जाने लगता है। तो इस पर माँ रुलोंग पूछता है, होंगचिंग तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर होंगचिंग कहता है, मुझे किसी चीज को अभी के अभी कंफर्म करने की जरूरत है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या सच में दुनिया में ऐसा भी कोई हो सकता है जिसके पास 6 1 लैक्स या ओल्ड स्पिरिट रिंग्स हो, और उसको तो सिर्फ एक ही मूव चलने की जरूर है और वो बड़े ही आसानी से पूरे मैच को जीत सकता है। और युहाओ ने ऐसा दोबारा से किया जिस वजह से इस चीज ने इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया होता है। और तभी हम एक रूम के अंदर उसी टीम के लड़का और लड़की को देखते हैं, जिस पर वो लड़का उस लड़की से पूछता है, क्या तुम ठीक हो।
तुम तो सच में काफी बुरी तरीके से कांप रही हो, आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? और इस तरफ ये लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है और यह दर्द भरी आवाज में कहती है, ये सच है, उसके पास सच में 61 लाख ईयर्स ओल्ड रिंग्स है। और इस चीज को सुनकर इस लड़के के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है, क्या तुम श्योर हो? जिस पर ये लड़की बताती है, जब मैं 16 साल की थी तब मेरे ग्रैंडफादर मुझे नॉर्दर्न प्लेन में ले गए थे, जिससे कि वह मेरी मदद कर सके एक सोल रिंग को हासिल करने में। और हमारा वहाँ पर सामना किसी चीज से हुआ जो कि ग्रीन कलर आइस एम्परर पर था, जो कि 10,000 ईयर्स ओल्ड का बीस्ट था। और मैं उस नज़ारे को कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि वह लम्हा मेरी जिंदगी का काफी ज्यादा डरावना था। और जिस तरह से उसे बच्चे ने मुझे देखा, मुझे उससे वही सेम फीलिंग आ रही थी। और उसके पास भी वही प्रेजेंस है जो कि उस समय उस स्पिरिट बीस्ट के पास था। तो ये सुनकर ये लड़का कहता है, ये श्रेक सच में काफी डरावना है, मैं हार मानता हूँ उनसे। इनके रूम के बाहर माँ रूलोंग और होंगचिंग दोनों ही चुपचाप इनकी बातों को सुन रहे होते हैं और इनकी बातों को सुनकर इनकी भी बोलती बैन हो गई होती है। और फिर माँ रूलोंग कहता है, श्रेक सच में पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर स्ट्रांग एकेडमी है और मुझे कभी नहीं लगा था कि उनके पास इस तरह के मॉन्स्टर्स भी होंगे। और फिर यह जोश की आवाज में जलते हुए कहता है, लेकिन मैं माँ रूलोंग में उनसे हार नहीं मानूंगा और मैं अपनी स्कूल की ग्लोरी के लिए मरना पसंद करूंगा और मैं अपना पूरा जोर लगा के श्रेक्स के साथ लड़ूंगा। और अब मैं वापस से ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई भी मैच तक डिस्टर्ब मत करना। और माँ रूलोंग को जाते हुए मिंग कहती है, सीनियर माँ रूलोंग एक डिसिप्लिन पर्सन है, लेकिन भाई आप क्या सोच रहे हैं? और आप मुझे यह तो मत कहना कि इस चीज में आपको हिलाकर रख दिया है। तो इस पर होंगचिंग एक स्माइल के साथ कहता है, युहाओ तो इंटरेस्टिंग पर इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। युहाओ तुम देखना कि मैं कैसे तुम्हें बेरहमी से डिफीट हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रू जीनियस है और वो मैं हूँ। तो दोस्तों, अगले पार्ट में आप देखने वाले हैं जू संशी को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए कि वह कैसे जियांग ननन को सेव करने के लिए खुद को बीस्ट में बदल देगा। तो दोस्तों, अगर आप अगला पार्ट कल ही देखना चाहते हो तो इस वीडियो में 2000 लाइक्स करवा देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।